कहते हैं, रोज कहते हैं ओबीसी की सरकार है और आपकी कोई भागीदारी नहीं है। नफरत फैलाते हैं, बात समझिए आप, नफरत फैलाते हैं, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, मगर जो भागीदारी ओबीसी वर्ग की, दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की होनी चाहिए वो नहीं मिलती। और आप जानते हो यहां पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यहां पे बेरोजगार युवा है, हाथ उठा के दिखाओ, ये देखो मजा देखो, ये देखो, ये है शिवराज चौहान जी का कमाल, ये देखो बेरोजगार युवा, हाथ उठा के दिखाओ मुझे, ये है, ये सेना खड़ी हुई है, ये जिंदगी भर अपना टाइम जाया कर रहे हैं। भाई और बहनों आपसे कहा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, आपने अपने जेब से माता पिता का पैसा डाल के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जाके दिया, पता लगा अदानी जी ने, अंबानी जी ने सारे के सारे रोजगार खत्म कर दिया हिंदुस्तान में। भाई और बहनों जीएसटी से आपको फायदा हुआ? जीएसटी किसके लिए की गई? अदानी के लिए की गई, अदानी के लिए। अदानी जी आप बिजली का प्रयोग करते हो ना, आप एक का बात समझ लो, जैसे ही आप वो स्विच ऑन करते हो ना घर में, वैसे ही अदानी जी के जेब में पैसा जाता है डायरेक्ट। मैं बताता हूं कैसे। अदानी जी ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से यहां आते आते कोयला का दाम डबल कर देते हैं, वहां खरीदते 100 रुपए का है, यहां आते आते दुगना हो जाता है, ठीक है। और फिर जो वहां से अदानी जी फायदा लेते हैं, आप बिजली में, बिजली के बिल जो बढ़ता है वो पैसा आपके जेब से निकलकर सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। और उदाहरण चाहते हो और देता हूं, यहां पे मध्य प्रदेश में करोड़ों किसान हैं। मजे की बात आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी फसल बीमा योजना लाए, नाम सुना है आपने, नाम सुना है, फसल बीमा योजना में हिंदुस्तान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए डालती है और हमारे किसान तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए डालते हैं। अच्छा भैया जो सरकार पैसा डालती है कहां से आता है? जीएसटी से। तो जीएसटी से आपसे पैसा लेते हैं, ठीक है, 30,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाला, आपने पेट्रोल खरीदा जीएसटी, आपने खाना खाया जीएसटी, आपने कुछ खरीदा, ये शर्ट खरीदी जीएसटी, पैसा आया 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नई योजना लाया हूं, ठीक है। अब जब किसान का खेत पर ओला गिरता है, बारिश आती है, नुकसान हो जाता है, आंधी आती है, किसान जाता है कंपनी के पास, कहता है भैया देखो मैंने पैसा भरा था, मुझे पैसा दो, बीमा का पैसा दो। कंपनी उससे कहती है भैया हम तुम्हें पैसा नहीं देने वाले, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में नुकसान नहीं हुआ, तुम्हें हम पैसा नहीं देंगे। 30,000 करोड़ रुपए भाई और बहनों 16 कंपनी को मिला है, 16 कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए मिला आपका। अब सवाल, उस कंपनी में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, बता दो। तो पैसे कहां से गए? दलित आदिवासी पिछड़ों से, आपकी जेब से। कहां पहुंचे? अदानी के पास, 16 कंपनियों के पास। आपसे कहा भैया बहुत अच्छी योजना चलाई हमने बीमा योजना, आपको पता भी नहीं लगा कि आपकी जेब से जीएसटी से पैसा गया, उदगदर गया, 16 कंपनियों के पास गया, उठा के ले गए किसानों को, उन्होंने आधे किसानों को पैसा दिया, आधे को कहा कि भैया हम तुम्हें नहीं देंगे, 5-10 हजार करोड़ पैसे बन गए। पैसा किसका? ओबीसी, दलित, आदिवासी, और आपका कंपनी में एक आदमी नहीं दिखेगा। अदानी जी की कंपनी में
पिछड़े दलित आदिवासी कितने काम करते हैं बता दो मुझे, उनके मैनेजमेंट में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं? एक नहीं मिलेगा आपको। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में जात नहीं है तो अदानी जी की कंपनी में ओबीसी क्यों नहीं दिख रहे, दलित क्यों नहीं दिख रहे, आदिवासी क्यों नहीं दिख रहे? बहुत बढ़िया, सच्चाई है भैया, सच्चाई बढ़िया होती है। अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। बलात्कार का कैपिटल है, यस, 11 साल की बच्ची का, 11 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, रेप होता है यहां पे। कहां पे? उज्जैन में, पूरा देश जानता है। बेरोजगारी का कैपिटल, बलात्कार का कैपिटल। अच्छा, आपने वो वीडियो देखा, वो मंत्री का बेटा जो है, क्या नाम है उसका, तोमर वाला वीडियो देखा आपने? देखा? अच्छा एक बात बताओ, तोमर जी का वायरल वीडियो आपने देखा, बेटे का वीडियो देखा? मैंने भी देखा। वो वहां पे कभी 15 करोड़ की बात हो रही है, कभी 100 करोड़ की बात हो रही है, कभी 25 करोड़ की बात हो रही है, कभी यहां पैसा ट्रांसफर करो, वहां पैसा ट्रांसफर करो, इधर पैसा ट्रांसफर करो। देखा ना आप सबने, मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला? क्यों? मोदी जी ने इंक्वायरी कराई? मोदी जी ने सीबीआई भेजी, ईडी भेजी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजा? क्यों नहीं? तो चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो ये क्या नाम है लड़के का, तोमर हो, कोई भी स्कैम हो मध्य प्रदेश में, कोई भी भ्रष्टाचार हो, नरेंद्र मोदी जी कुछ शब्द नहीं, एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं निकलेगा। मोदी जी एक काम कीजिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो वीडियो दिखा दीजिए ना तोमर जी का, पता नहीं शायद उन्होंने देखा नहीं है, बाकी हिंदुस्तान को दिख गया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को नहीं दिखा। अच्छा एक और वीडियो आपने देखा होगा, आपने वो वीडियो देखा जिसमें एक आदिवासी युवा खड़ा है, उस पर बीजेपी का नेता पेशाब कर रहा है, देखा? देखा ना, बीजेपी का नेता रीवा में, सिद्धि में, सॉरी, बीजेपी का नेता सिद्धि में आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब करता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में जाति नहीं है। आपने कभी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। मगर वही नेता आदिवासी युवा पर पेशाब करके वीडियो को वायरल कर रहा है। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार इस प्रदेश में है, आप बताओ, मुझे बताओ, क्या मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार नहीं है क्या? तो जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, तो आपका अपमान कर रहे हैं। जात है, दलित है, दलित लड़कियों पर अत्याचार है मध्य प्रदेश में, है सबसे ज्यादा, है आदिवासी है, आदिवासी पर यहां पेशाब किया जा रहा है, नेता पेशाब कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्या मतलब है कि जात नहीं? जब भागीदारी देने का समय आया, जब सरकार में जगह देने का समय आया, जाति जनगणना का समय आया, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जाति नहीं है। और पूरा मध्य प्रदेश जानता है यहां पे क्या हालत है। मुझे गाड़ी में बता रहे थे कि यहां से ट्रेन जाती है, बीमार लोगों को ले जाती है नागपुर, वहां पे इलाज होता है, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आपको ट्रेन से कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, यहां इलाज होगा। तो देखिए, हमें, आप देखिए, पिछली बार चुनाव हुआ मैंने कहा, देखिए बाकी सब ठीक है, मैं आपको वायदा कर रहा हूं, किसानों का कर्जा माफ हो गया। छत्तीसगढ़ में मैंने बोला कि देखिए धान आपको
2500 रुपए का मिलेगा। आज छत्तीसगढ़ में धान 3200 रुपए का मिल रहा है। कर्नाटक में हमने कहा कि देखिए कर्नाटक की महिलाएं बस के लिए 1 रुपया नहीं देंगे, फ्री में घूमेंगी। कर्नाटक की महिलाएं आज फ्री में कर्नाटक में बस में घूमती हैं। हमने यहां पे कहा है किसानों का कर्जा माफ होगा, इस चुनाव के बाद होगा, गारंटी करके कह रहा हूं चुनाव के बाद किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, देख लेना आप। मैंने कहा भैया सिलेंडर कितने का मिलता है, शिवराज चौहान जी की सरकार में कितने का मिलता है? 1100 का, 1100 का। अच्छी तरह सुनो, चुनाव के बाद हमारी जो यहां माताएं बहनें हैं, सिलेंडर 500 रुपए का होगा, लिख के ले लो। और जो मैं कहता हूं मैं करके दिखा देता हूं। आपने यहां इतने प्यार से मेरी बात सुनी। अच्छा आखिरी बात, यहां पे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जब हम किसान को पैसा देते हैं, जैसे हमने कहा कि धान के लिए यहां सही रेट देंगे, जब हम मजदूरों को किसानों को पैसा देते हैं उस पैसे को यहां जाके खर्च करते हैं, सही? तो मजदूरों को किसानों को जब हम पैसा देते हैं वो छोटे दुकानदार के दुकान में जाके पैसा खर्च करते हैं। मजदूरों का फायदा होता है, किसानों का फायदा होता है, इनका फायदा होता है। अब मैं इनसे पूछता हूं, जीएसटी से आपका फायदा हुआ आपका नुकसान हुआ? आपको एक दुकानदार नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा हां भैया जीएसटी से मुझे फायदा हुआ। नोटबंदी से इनका नुकसान हुआ, जीएसटी से इनका नुकसान हुआ, किसान बिल से इनका नुकसान होता है। क्यों? किसान बिल आपने मोदी जी लाए, हमने रोक दिया, कैंसिल कर दिया, उसको रद्द कर दिया। मगर अगर उनका किसान बिल चल गया होता, किसान के जेब में पैसा नहीं जाता, मजदूर के जेब में पैसा नहीं जाता, इसका नुकसान हो जाता। तो हमारी सरकार जो है किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों की मदद करती है। अच्छा यहां जो बेरोजगार युवा हैं, आप बेरोजगार क्यों हो, आपने कभी सोचा? मोदी के वजह से, शिवराज के वजह से, क्यों? मैं आपको बताता हूं, देश को प्रदेश को रोजगार छोटे दुकानदार देते हैं, छोटे व्यापारी देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं, ठीक है? अदानी जी, अंबानी जी, ये लोग देश को रोजगार नहीं देते हैं, ये बहुत कम लोगों को रोजगार दे पाते हैं। ये जो है जो छोटे कारखाने चलाते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दुकान चलाते हैं, ये लोग देश को रोजगार देते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, शिवराज चौहान जी की सरकार ने इन लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। जब तक, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जब तक इस देश के छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक आप सब लोग बेरोजगार मिलोगे। तो यह बदलाव हम लाना चाहते हैं। हमारा फोकस किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, स्मॉल स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे है। हम बैंक के दरवाजे इन लोगों के लिए खोल देंगे। और आज जो यहां पे लोग, युवा हाथ उठा के कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं, 5 साल बाद हम आएंगे, यही सवाल मैं फिर से पूछूंगा, दिखेंगे नहीं आपको हाथ? आप सबने, अच्छा आखिरी बात देखिए, आखिरी बात, सबसे बड़ा नुकसान, देश का सबसे बड़ा नुकसान नफरत और हिंसा से होता है, सही? आपने, अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाए, बाप बेटे के बीच में लड़ाई हो जाए, बहनों के बीच में लड़ाई हो जाए, वो परिवार सफल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। देश भी वैसा ही होता है। अगर देश में नफरत फैलती है, हिंसा फैलती है, देश का भला नहीं हो सकता। मैंने यात्रा क्यों की? 4000 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं है भाई और बहनों। आपने मेरी मदद की, आपने पूरी अपनी शक्ति झोंक दी, आपने मुझे मदद की, तो मैं कर दिया, मैंने कर दिया। मगर मैं भारत जोड़ो यात्रा पे क्यों निकला? क्योंकि मैं चाहता था कि यह देश जो है मोहब्बत का देश है, नफरत का देश नहीं है,
और मैं मोहब्बत की राजनीति करना चाहता था, क्योंकि मैं देश प्रेमी हूं, देशभक्त हूं, और मैं जानता हूं देश को कमजोर करने का सबसे बेहतर तरीका नफरत फैला दो, देश कमजोर हो जाएगा। परिवार को कमजोर करना है, नफरत फैला दो, भाई भाई के बीच में नफरत फैला दो, परिवार कमजोर हो जाएगा। देश को कमजोर करना है, भाई भाई के बीच में नफरत फैला दो, देश कमजोर हो जाएगा। युवाओं के बीच में नफरत फैला दो, देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैंने नारा दिया, सबसे अच्छा नारा हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, सबसे अच्छा नारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और यात्रा से बहुत फायदा हुआ, बहुत लोग जुड़े, नफरत मिटी। और अब एक दूसरा बड़ा सवाल हमारे सामने है, जो इस मीटिंग में मैंने आपसे कहा, भारत जोड़ो यात्रा से देश जुड़ा, नफरत मिटी, भाईचारा बढ़ा। अब देश के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है, और वो सवाल यह है कि क्या इस देश में पिछले वर्गों को, दलितों को, आदिवासियों को न्याय मिल रहा है, हां या ना, यह सवाल है। और अगली लड़ाई, जो मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं, वो शुरुआत है। अगली लड़ाई कमजोर वर्गों के न्याय की लड़ाई है, और उसका पहला कदम मध्य प्रदेश में, पहला कदम यहां लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार को बदल के यह पहला कदम लिया जा रहा है। आप सब यहां आए, रात का समय है, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद। और शिवराज जी, इस सवाल का आप जवाब दीजिए, अगर ये ओबीसी की सरकार है, अगर ये पिछड़ों की सरकार है, तो 53 में से एक अफसर ओबीसी का क्यों है, और 100 रुपए में से 33 पैसे ओबीसी अफसर, ओबीसी के ऑफिसर्स पर क्यों निर्णय ले रहे हैं? धन्यवाद, जय हिंद। शिवराज जी, कल तक जवाब दे देना।